स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम, दैट इज वल्वा. वल्वा इज ऑल्सो नोन एज फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. तो जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट है, वो कहलाता है वल्वा. और इस पर हमें काफी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं वल्वा को. तो जो वल्वा है या फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, उसका फर्स्ट पार्ट आता है मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस अपर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिबेशियस ग्लैंड्स कैरी करता है और फेरोमोन सिक्रीट करता है, दैट इज सेक्स अट्रैक्टेंट. तो ये काफी सॉफ्ट टिश्यू होता है और फैटी टिश्यू है, और इसके अंदर जो सिबेशियस ग्लैंड है वो फेरोमोन सिक्रीट करता है, सेक्स अट्रैक्टेंट सिक्रीट करता है, जिससे मेल फीमेल के बीच में कनेक्शन बनने में भी हेल्प होती है. तो मॉन्स प्यूबिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड कुशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी हेल्प करता है बाय कुशनिंग. अब इसके बाद नंबर टू पर आता है क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस जो है लेबिया माइनोरा के ऊपर का एक हिस्सा है एंड इट इज होमोलोगस टू पिनस. जैसे मेल्स में पिनस जो है वो इरेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से जो क्लाइटोरिस है वो भी इरेक्ट हो जाता है जब कोई फीमेल सेक्सुअली एक्साइट होती है. तो जब लड़की सेक्सुअली एक्साइट होगी तो उसके क्लाइटोरिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और ये क्लाइटोरिस जो है इरेक्ट हो जाएगी. तो इट इज मेड अप ऑफ सेम टिश्यू एज द पेनिस मेड अप ऑफ, सो इट इज होमोलोगस टू पीनस. और ये इसके ऊपर की स्किन है जिसको कहा जाता है प्रेप्यूस. सो दिस वॉज पार्ट नंबर टू. सो ऑन पार्ट नंबर थ्री वी हैव लेबिया मेजोरा एंड ऑन फोर्थ पार्ट वी हैव लेबिया माइनोरा. तो ये जो अपर फोल्ड ऑफ स्किन है जो पूरे वल्वा को मार्क कर रहा है वो कहलाता है लेबिया मेजोरा. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो आउटलाइन बना रहा है वो है लेबिया मेजोरा, और जो इंटरनल फोल्ड ऑफ स्किन है वो है लेबिया माइनोरा. तो ये लेबिया माइनोरा ये क्या करेगा, ये ढककर रखेगा वेजाइना को और यूरेथ्रल ओपनिंग को. तो वेजाइना के कवर को और यूरेथ्रा के कवर को, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग को, ये दोनों को छिपा कर रखता है. तो ये है मेन फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइनोरा. तो ये वेजाइना की ओपनिंग को और यूरिन वाली ओपनिंग को, दोनों को छिपा कर रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मार्क करता है लेबिया मेजोरा और ढककर रखता है लेबिया माइनोरा. और ये है क्या, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन. अब इसको हम लोअर लिप भी कह सकते हैं. अब इसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल. सो दिस इज पार्ट नंबर फाइव. सो दिस एंटायर एरिया इन विच वी गेट वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल.
और इसके बाद आता है हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन एक्सक्रीट होगा। तो यूरिन रिलीज करने वाली ओपनिंग को क्या कहा जाता है? यूरेथ्रल मिएटस। दिस इज पार्ट नंबर 6। एंड विद यूरेथ्रल ओपनिंग, तो जहां से यूरिन आता है उस ओपनिंग के दोनों तरफ हमें एक ग्लैंड मिलता है विच इज नोन एज स्किनीज ग्लैंड, और ये स्किनीज ग्लैंड की ओपनिंग को शो किया है। और ये स्किनी ग्लैंड ये क्या करता है? ये एंटी माइक्रोबियल रिलीज करता है। तो ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने वाला एक लिक्विड सिक्रीट करता है, और वो लिक्विड इस एरिया को थोड़ा सा वेट रखेगा, और अगर यूरिन में कोई बैक्टीरिया हो तो उस बैक्टीरिया को भी मार देगा और वेजाइना को भी प्रोटेक्शन देगा बैक्टीरिया से। तो एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड सिक्रीट करने का काम है स्किनी ग्लैंड का, और ये साथ साथ यूरेथ्रल ओपनिंग को या यूरेथ्रल मिएटस को लुब्रिकेट भी करता है। उसके बाद आ जाता है वेजाइना। तो जो वेजाइना है वो तो एक मस्कुलर ट्यूब है, तो वेजाइना तो एक मसल से बनी हुई ट्यूब होती है, और उस ट्यूब की ओपनिंग को कहा जाता है वेजाइनल ओरिफाइस। तो वेजाइना एक ट्यूब है और उसकी ओपनिंग को हम वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, और वेजाइनल ओरिफाइस ही हमें ये बाहर से दिखाई देगी। और इसके भी दोनों तरफ एक ग्लैंड मिलेगा विच इज नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड, और ये ग्लैंड ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, और उस फ्लूइड से वेजाइना लुब्रिकेट होता है और सेक्स करने में हेल्प होती है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे ही कोई लड़की सेक्सुअली एक्साइट होगी तो बार्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करेगा, और उस फ्लूइड से पूरा वेजाइना लुब्रिकेट हो जाएगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प मिलेगी। तो हमारे पास क्या क्या पार्ट्स अब तक आए? सबसे पहले ऊपर हेयरी पार्ट, जिस पार्ट पर हेयर है वो है मॉन्स प्यूबिस। फिर आ जाता है लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बराबर में ये जो मार्किंग कर रहा है दैट इज लेबिया मेजोरा। फिर आ जाता है लोअर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइनोरा। ऊपर है यूरेथ्रल ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस, जहां से यूरिन आएगा। उसके बराबर में स्किनी ग्लैंड जो एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड निकालेगा। नीचे वेजाइना की ओपनिंग, और उसके बराबर में बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग जो वेजाइना को लुब्रिकेट करेगा। और अब ये लेबिया माइनोरा का जो लोअर जंक्शन है यहां पर स्किन मीट कर रही है, तो लेबिया माइनोरा के लोअर जंक्शन को क्या कहा जाता है? फोरशेट। और ये जंक्शन के बाद जो एनस के बीच का ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड पेरिनियम, और इसके बाद आ जाता है एनस। तो एनस से क्या रिलीज होगी? पॉटी। तो पॉटी रिलीज होती है एनस से, दैट इज फेकल मैटर और डाइजेस्टिव वेस्ट। यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन, और ये जो थर्ड ओपनिंग है दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। तो टोटल 3 ओपनिंग्स यहां देखी जा रही हैं।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ और एक एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो यहां पे है यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग। और ये जो डायमंड शेप का गैप है, दिस इज पेरिनियम। तो अपर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया मेजोरा, लोअर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइनोरा, अपर ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस, लोअर ओपनिंग वेजाइनल ओरिफाइस और सबसे नीचे की ओपनिंग एनस। तो टोटल 3 ओपनिंग्स हो गई। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन क्लाइटोरिस किसका होमोलोगस है, पीनस। दूसरा क्वेश्चन स्किनी ग्लैंड ये किसका होमोलोगस है, तो इट इज होमोलोगस टू मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इट इज होमोलोगस टू मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड। तो स्किनी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस हो गया, क्लाइटोरिस पिनस की होमोलोगस हो गई और बार्थोलिन ग्लैंड ये होमोलोगस है काउपर्स ग्लैंड, जिसको कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है उसका। तो काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का होमोलोगस हो गया बार्थोलिन ग्लैंड। तो यहां पर आपको 3 होमोलोगस स्ट्रक्चर याद रखने हैं। पहला स्किनी ग्लैंड जो एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड रिलीज करता है, बैक्टीरिया से बचाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस है। दूसरा क्लाइटोरिस ये मेल्स के पेनिस की तरह होता है और ये इरेक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और तीसरा हमारे पास है बार्थोलिन ग्लैंड जो कि काउपर ग्लैंड का होमोलोगस है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और उसके साथ अपर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया मेजोरा, लोअर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइनोरा एंड दिस एंटायर पार्ट वेस्टिब्यूल। Hope you have got all the concepts of vulva, that is female external genitalia. Thank you.